नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों थोड़े से बेसिक्स आप समझ लीजिए, ये आपके अगली एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे। बच्चों देखो, सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि त्रिज्यीय खंड आखिर होता क्या है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि क्या होता है त्रिज्यीय खंड। देखिए बच्चों, यह है एक वृत्त, यह है इसका केंद्र। मान लीजिए इस वृत्त से एक त्रिज्या इस प्रकार से यहां और एक इस प्रकार से यहां पर खींची गई है। वृत्त का केंद्र है O, इसे हम मान लेते हैं A, इसे हम मान लेते हैं B। तो बच्चों आप देखिए कि इस त्रिज्या और इस त्रिज्या ने मिलकर यह इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट दिया। एक भाग वह है जिसे मैं अभी शेड करने जा रहा हूं। देखिए ये भाग, ठीक है बच्चों, एक है यह छोटा भाग, यह छोटा भाग ये वाला, और एक ये हो गया बड़े वाला भाग। ठीक है बच्चों, तो इसी हिसाब से छोटा मतलब लघु और बड़े वाला मतलब दीर्घ, दो त्रिज्यीय खंड बन गए। इसे ही हम कहते हैं त्रिज्यीय खंड। तो बच्चों याद रखना, मान लीजिए इस बिंदु पर यहां एक बिंदु है एक्स, तो ये ओ ए एक्स बी, यह हो गया है लघु त्रिज्यीय खंड। ठीक है बच्चों, यह है लघु त्रिज्यीय खंड। दो त्रिज्याओं को केंद्र से इस प्रकार से दो त्रिज्याएं बन गई, इनके बीच का यह जो एरिया है, यदि यह छोटा है तो लघु, यह बड़ा है तो दीर्घ, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये लघु त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है इसे त्रिज्यीय खंड को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा, अब देखो बच्चों, जब ये दो त्रिज्याएं इस प्रकार से मिल रही हैं तो ये केंद्र पर एक कोण बना रही हैं। इस कोण का नाम है थीटा। थीटा यहां लिख देता हूं, थीटा, यह जो कोण है बीच वाला यह थीटा है, जो इन दो त्रिज्याओं ने आपस में मिलकर बनाया है। यदि यह थीटा है तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से थीटा बटा 360, यह कोण पूरा 360 होता है, उसमें से यह छोटा सा भाग कितना होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यह हो गया लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और यदि बच्चों हमने बाकी दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से यह लघु वाला माइनस कर देंगे तो यह बाकी बचा क्षेत्रफल आ जाएगा। आशा करता हूं वो आप आराम से बाद में निकाल रहोगे, मैं सिर्फ आपको यह फार्मूला याद करवाना चाहता हूं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, त्रिज्यीय खंड है ये पूरा एरिया, ठीक है, जो दो त्रिज्याओं ने घेरा है, इस पूरे क्षेत्रफल को हम कहते हैं लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। यदि आपको बाकी वाला एरिया निकालना तो क्या करोगे, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल दो पाई आर स्क्वायर, उसमें से यह छोटे वाला माइनस कर दो तो वह बड़े वाला आ जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में पूछे जाएंगे। बच्चों अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है चाप की लंबाई। तो पहले आपको समझना है कि चाप क्या है। बच्चों देखो, इसी में आपको समझा देता हूं, ये OA, ये OB, इसमें यह जो चाप है ये A से B तक, इसे कहा जाता है चाप, यह चाप, ठीक है बच्चों, ये है चाप। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फार्मूला है चाप की लंबाई का वह है, इस चाप AB की लंबाई कितनी होगी, थीटा बटा 360 डिग्री गुना, यह पूरी परिधि का एक छोटा सा हिस्सा है इसलिए पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, इसलिए चाप की लंबाई होगी थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। देखो मैं यहां आपको दोबारा इस आकृति में दिखाता हूं, यह आपकी एक त्रिज्या हो गई OA, यह दूसरी त्रिज्या हो गई OB। तो हम चाप किसको कहेंगे बच्चों, जिसे मैं अभी हरे पेन से अंकित करूंगा। देखो ये है चाप A से B तक, ये
इसे हम कहते हैं चाप की लंबाई, और इसको निकालने का सूत्र है थीटा बटा 360 गुना 2πr। बच्चों याद रखना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा, और चाप की लंबाई क्योंकि यह लंबाई है इसलिए सेंटीमीटर या मीटर में होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों एक टॉपिक और है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप समझो कि वृत्तखंड होता क्या है, फिर मैं आपको उसके क्षेत्रफल का सूत्र भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, बच्चों देखिए फिर से मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक त्रिज्या आई है ओ ए, और इसी प्रकार से एक त्रिज्या इस प्रकार से यहां पर है ओ बी। बच्चों यदि मैं ए को बी से मिला दूं, यह एक जीवा होती है। ठीक है बच्चों, वृत्त पर किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो बच्चों वृत्तखंड की बात कर रहे हैं हम कि वृत्तखंड क्या होता है। देखो यदि आप इस रेखा को ना देखो तो पहले ये ओ ए और ओ बी दो त्रिज्याएं थी, जैसे आपने पहले यहां पे त्रिज्याखंड में किया था ओ ए और ओ बी, ये बीच वाला एरिया सारा त्रिज्याखंड है, इसी प्रकार से यहां पर भी ओ ए और ओ बी के बीच वाला सारा तो एरिया होगा त्रिज्याखंड। लेकिन इसमें से यदि ओ ए बी त्रिभुज माइनस कर दें तो बाकी बचेगा बच्चों ये वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है, ये जो मैंने नीले पेन से शेड किया है इसे कहा जाता है वृत्तखंड। क्या कहा जाता है बच्चों? वृत्तखंड। और बच्चों देखना त्रिज्याखंड की तरह इस सर्कल में इस एक ए बी रेखा ने दो वृत्तखंड बना दिए, एक यह छोटे वाला और एक यह बड़े वाला, है ना। तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, और यह जो बड़े वाला होगा, यह जो खाली आप सफेद हिस्सा देख रहे हैं इस पूरे सर्कल के अंदर, वह है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घायु कहते हैं ना, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र हो, तो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का मतलब बड़ा वृत्तखंड। तो ये दो वृत्तखंड है, इसमें से लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र देखिए क्या होगा बच्चों। बच्चों ध्यान से देखना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, है ना। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, यह पूरा ये वाला ये हिस्सा, इसमें से ये त्रिभुज निकाल दोगे तो बाकी ये वृत्तखंड बच जाएगा। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अभी पढ़ा था थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यह तो था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह त्रिभुज कैसा है जिसमें यह भी आर है और यह भी आर है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम यह थीटा जो है यह दो इनके बीच का यह कोण होगा। ठीक है बच्चों, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि यह पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र यूज करके हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में अभी हमने 12.2 शुरू करने से पहले हमने सीखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और क्योंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए यह भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। बच्चों 12.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप मेरा यह वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, आपको जहां से भी ना समझ आए वीडियो को पीछे ले जाकर एक बार दोबारा देखिए, पहले अपने ये कॉन्सेप्ट ये बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद 12.2 शुरू कीजिए। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।